उखाड़े गए, बदतमीजी करी गई और उसके बाद अरेस्टिंग करी जा रही है, ये शर्म की बात है। वो लगातार पुलिस जो है उनके साथ सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। पूरे देश व्यापी आंदोलन के होने के बावजूद नीट परीक्षा रद्द नहीं की जा रही। जब जब योगी डरता है, वो लगातार आपको कवर करके दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, योगी सरकार मुर्दाबाद। जैसे कि देख सकते हैं कि अखिलेश यादव वो दिल्ली में जो है उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे समाजवादी पार्टी में छात्र संघ ने मोर्चा शुरू कर दिया है। और आप जिस तरह से देख सकते हैं कि एक भारी संख्या में जो छात्र संघ है वो नीट में लगातार हो रही धांधली को लेकर प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे कि हम आपको सारा कुछ कवर करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक भारी संख्या में यहाँ पे जो भी छात्र संघ है वो संख्या में यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। जैसे कि हम आपको पूरा कवर करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो छात्र संघ है वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो की लगातार नारे लगा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। वही धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने शिक्षा मंत्री के तौर पे कल ही शपथ ग्रहण की है, आज वो लगातार आपको कवर करके दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ जो छात्र संघ है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी उनको रोकने के लिए पूरी तरह से बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था है वो की हुई है। यहाँ पे छात्र संघ जो आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग पे किस तरह से चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अखिलेश यादव की जहाँ एक तरफ जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो नीट एग्जाम में हुई धांधली को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो नीट एग्जाम में हुई धांधली को लेकर एग्जाम को ही रद्द करने की मांग कर रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से एक भारी भीड़ जो है वो बैरिकेडिंग की तरफ नजर आ रही है। और एक भारी संख्या में यहाँ पे आपको छात्र संघ नजर आ रहा है, जिनसे भी हम कुछ देर में बात करेंगे। तब तक आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो भी एक भारी संख्या में मौजूद है और छात्रों को रोकने का काम लगातार कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से जो पुलिस प्रशासन है वो बैरिकेडिंग के उस तरफ खड़ा होकर आक्रोशित छात्रों को शांत करने की कोशिश कर रहा है। और ये देखिए छात्र किस तरह से बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ते हुए और बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मांग ये है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको दोबारा कराएं और जितने बेरोजगार हैं उनको नौकरी दें, शिक्षा की जो महंगाई उसको कम करें, और जो देश प्रदेश में जो अत्याचार युवाओं किसानों खो रहा है उसके लिए मांग है हमारा। इसमें देख लीजिए आप लिखा है धांधली करना बंद करिए, यही सब हमारा मांग है और यही चल रहा है हमारा इसमें। धरना धर्मेंद्र प्रधान की नैतिकता बनती है कि अपने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दें, यही हम लोग की मांग है और री एग्जाम कराने की मांग है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि आज जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे लीक हो रहे हैं। ये पेपर लीक नहीं है, सरकार वीक है। हम लोगों की मांग है कि छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, छात्रों की लाइफ से खिलवाड़ हो रहा है, तो ये सरकार हटनी चाहिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद समझने पड़े। सीबीआई की जांच भी हो रही है तो आप लोग का गुस्सा किस लिए जी? अभी तो सीबीआई ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है, 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए सीबीआई की जांच जब तक होगी जब तक तो पता नहीं क्या क्या हो चुका होगा, इतने पेपर लीक हो रहे हैं। ये लोग आप भी जानते हो, आप भी छात्र हो, लेकिन हम लोगों की मांग यही है, केवल ये सरकार हटनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान आप इस्तीफा दो, आप एकदम अपने पद के दायित्व के लिए एकदम विफल है। धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे, बच्चों के हित में कोई भी लड़ाई उनकी नहीं लड़ी जा रही है। हम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगते हैं। जैसे कि आपने हर एग्जाम लीक कर रहा है धर्मेंद्र प्रधान ने, यहाँ पे हम और लोगों से जानने की मांग क्या है आप लोगों की, यहाँ पे किस लिए आए हुए जी? हम लोग नीट परीक्षा को निरस्त कराने के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सभा के पूरे पदाधिकारी आए हुए हैं नीट परीक्षा को निरस्त कराने की मांग को लेकर। 8 जुलाई को दोबारा से सुनवाई होनी है, लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है, उसके बावजूद प्रदर्शन किस लिए? ये सरकार ऐसी तानाशाह है, अगर आंदोलन नहीं होगा तो सरकार एक तरफा बैठा देगी और छात्रों के साथ अन्याय करती रहेगी। ठीक है, क्या कह जाते हैं, क्यों क्यों
क्या है, किस लिए हो रहा है ये सारा? ये पेपर लीक जो एनटीए नीट का परीक्षा जो लीक हुआ है, 25 लाख युवाओं का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसीलिए आज ये आंदोलन हो रहा है कि सरकार समझ जाओ, नहीं तो तुम्हारा पूरा तख्त बदल जाएगा। इसीलिए आंदोलन समाजवादी छात्र सभा के लोग आज आंदोलन करने आए हैं और इस सरकार को बताने आए हैं कि सरकार तुम अपनी नजरें हटाओ और देखो एक बार कि कितने युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं अभी किस तरह से एक भारी संख्या में जो छात्र है वो बैरिकेड के ऊपर नजर आ रहे हैं और उसके ऊपर खड़े होकर लगातार धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगा रहे, साथ ही एनडीए द्वारा एनडीए को यहाँ पे जो छात्रों को मारा जा रहा है उस पर क्या कहना है? पुलिस छात्रों को मार रही है, बीट रही है, वैन मिले जा रही है, उस पर क्या कहना है? बीजेपी का ये पुराना काम है हमेशा पुलिस को आगे रख के नौजवानों पे लाठियां चलाना, उनकी शिकायतें ना सुनना, उनका समाधान ना निकालना। आप जिस तरीके से देख रहे हो कि जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं एक शांति ढंग से और उसको ये लोग किस तरीके से कर रहे हैं ये योगी सरकार मुर्दाबाद। इस्तीफा दें या तो उनको पद से हटाया जाए, लेकिन इस तरीके का अन्याय हम लोग नहीं सहन सकते। जो नीट के अभ्यर्थी, जो नेट पीजी के अभ्यर्थी, उनके साथ जो लगातार अभ्याय हो रहा, हमारी मांगे हैं कि परीक्षा को लीक किया जाए। देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री के बैनर पे, धर्मेंद्र प्रधान के बैनर पे यहाँ पे जो छात्र है वो काली स्याही से उनका मुंह रंग चुके हैं और लगातार छात्रों से जानेंगे कि उनकी मांगे क्या कहना चाहिए। हम चाहते हैं कि सारे छात्रों की मांगे धर्मेंद्र प्रधान पे सिर से इस्तीफा दे दें। अभी 8 जुलाई को सुनवाई होनी है, उसके बावजूद आप प्रदर्शन का क्या? आज तक क्या सुनवाई होगी मैडम? इससे पहले भी पुलिस वैकेंसी की परीक्षा लीक हो गई, पेपर रद्द हो गया, आज तक उसमें कार्रवाई नहीं हुई। इसके पहले नीट वाले पेपर रद्द हो गया, उसके पहले कार्रवाई नहीं हुआ, इसके बाद भी नेट वाला भी, जेआरएफ वाला भी लीक हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। देश की नीट यहाँ पे देख सकते हैं कि देश में जिस तरह से अलग अलग राज्यों में नीट प्रदर्शन, नीट परीक्षा में हो रही धांधली पे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, वही तरह लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी के सामने समाजवादी कार्यकर्ता जो है वो फुल आक्रोश में नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे जो देख सकते हैं कि छात्रों, कुछ छात्र जो है प्रदर्शन में घायल होते हुए भी नजर आ रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या आप कुछ कहना चाहेंगे। पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके बाद यूपी पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, लाठी बहुत लाठियां पड़ी हैं। क्या इस देश में प्रोटेस्ट करना भी गुनाह हो गया है? ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। देख लिए यूपी पुलिस का रवैया, देख लीजिए आप किस तरह से छात्रों, नौजवानों को घसीट रहे हैं रोड पे।
देख सकते हैं आप यहाँ किस तरह से जो छात्र हैं वो लगातार पुलिस जो है उनके साथ सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है और उन्हें खींचकर वैन में ले जाकर प्रदर्शन को शांत करने की कोशिश कर रही है। देख सकते हैं कि एक भयावह मंजर जो है वो अभी लखनऊ की सड़कों पे नजर आ रहा है, जहाँ पे एक तरफ छात्र जो है अपना परीक्षा में हो रही धांधली को लेकर आक्रोशित नजर आ रहे हैं, वही छात्रों के कपड़े भी जो है फटे हुए। आप देख सकते हैं कि इस प्रदर्शन में उनके साथ किस तरीके का बर्ताव हो रहा है कि छात्रों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज की जा रही है, वही छात्रों के साथ जो है हाथापाई मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही है। इसमें कई महिलाएं भी हैं जिनके साथ सेम व्यवहार किया जा रहा है। देख सकते हैं आप जिस तरीके से नीट एग्जाम और नेट जेआरएफ जिसका मैं खुद अभ्यर्थी हूं उसके साथ जो है कि उसमें धांधली की गई है, उसको उसके विरोध में हम लोग आज मोदी सरकार का इस्तीफा मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अगर तुमको तनिक भी शर्म है तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दो। ये लाखों लाख छात्र तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, तुमको नैतिकता के आधार पर अगर तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दो। और जुलाई को सुनवाई की बात हो रही है, उसके बावजूद प्रदर्शन का क्या हाल है? सुनवाई में कुछ नहीं हो रहा है, री एग्जाम कराए और एनटीए को तत्काल प्रभाव से रद्द करे और नौजवान अंगड़ाई ले चुका है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग पुनः लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिस है वो छात्रों को खींचकर वैन में लेके जाते हुए नजर आ रही है। क्या मां क्या है आपकी मां क्या है? आज हम लोग नीट की परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पूरे देशव्यापी आंदोलन के होने के बावजूद नीट परीक्षा रद्द नहीं की जा रही है। लगातार नीट पीट पर बॉडी 3.0 में भी रद्द हो रहा है और नौजवानों के साथ छलावा हो रहा है। यहाँ आप देख सकती है, बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या? देखिए नीट का एग्जाम जब तक रद्द नहीं होगा पूरी भाजपा प्रशासन मिली हुई है, मोदी जी मिले हुए हैं, पूरा भ्रष्टाचार का जड़ मोदी जी है। मोदी जी क्या ऐसी बात हो रही है कि कार्रवाई? नीट एग्जाम रद्द होना चाहिए, 24 लाख बच्चों के भविष्य का मामला है, नीट एग्जाम को रद्द करना हमारी मांग और हमारी लड़ाई। जब तक नीट रद्द नहीं होता तब तक हम करेंगे। और अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से मांग उठाई है उस मांग पे भी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। यहाँ पे देख सकते हैं जो छात्र हैं समाजवादी कार्यकर्ता जो हैं प्रदर्शन के लिए एक दूसरे से चिपके हुए और किस तरह से जो पुलिस है उन्हें खींच कर अलग कर यहाँ से लेके जाके वैन में भर्ती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल जो है यहाँ पे पैदा हो चुका है। सभी छात्रों को अलग करके पुलिस लगातार वैन में भरने का काम कर रही है। वैन के पास क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम जी जैसे ये लोग जुर्म कर रहे हैं हमारे सबके साथ समाजवादी सेवक के साथ इनको जवाब देना पड़ेगा। क्या आपकी मांग? मांग जो है जो ये परीक्षा रद्द की जा रही है बार बार और युवाओं को पेपर देने का चांस नहीं मिलता, पेपर देता है तो लीक हो जाती है, ये सरकार दोगली है, सरकार घूसखोर है, ऐसी सरकार को हटना चाहिए, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। नीट परीक्षा को रद्द किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, 2 करोड़ों युवाओं के जीवन से खिलवाड़ किया इन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लगातार जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग होती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके जूते उनके कपड़े सड़कों पे पड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ के हालात देख के समझ सकते हैं कि किस तरह का जो बर्ताव है वहाँ पे अभी छात्रों के साथ किया गया है। यहाँ पे पूजा यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के बैनर पे भी कालिक पोत कर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। यहाँ पे पुलिस देखिए जो धर्मेंद्र प्रधान के छात्रों को लेके जाती हुई नजर आ रही है। देखिए यहाँ पे किस तरह से जो पूजा
अनुजा शुक्ला है वो बैरिकेटिंग पर चढ़ के प्रदर्शन कर रही हैं। उनके साथ ही तमाम जो छात्र हैं वो भी प्रदर्शन में लगे हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान और योगी को एज ए CM वो सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं, जानते हैं क्या कहना चाहते हैं, बोलो क्या कहना चाहेंगे। क्या मैडम, क्या मांग है? मांग यही है हम लोग मैडम जी की, नीट की परीक्षा जो इतना लेट से किस तरह का मांग हो रहा है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में भी बोल दिया है कि सुनवाई होना है। सुनवाई तो मैडम जी यूपी पुलिस वाले की भी होनी थी। क्या हुआ यूपी पुलिस वाले वैकेंसी में सारे दोस्त आज भी बाहर घूम रहे हैं। नीट की परीक्षा रद्द हुई, उसके बाद नेट वाला PG नेट का परीक्षा रद्द हो गया। मैडम जब सारे बच्चे सेंटर पर चले गए तो ये सरकार पेपर रद्द करने का काम करती है। इस सरकार की तानाशाही अब छात्र इस बार बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इस बार पूरे उत्तर प्रदेश पूरे भारत से उखाड़ फेंकने का काम करेगी मैडम। यहाँ पे देख रहे हैं आपकी किस तरह जो छात्र है वो मौजूदा सरकार और उनकी नीतियों से आक्रोशित हुए होते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि एक भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं नीट एग्जाम में हुई धांधली को लेकर। क्या कहना चाहेंगे आप? इंकलाब जिंदाबाद है, जिंदाबाद। मांग क्या है? मांग हमारी जो नीट में धांधलीबाजी हुई है, एजुकेशन मिनिस्टर को सस्पेंड किया जाए, इंक्वायरी गठित की जाए, क्योंकि ये हर साल छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और यूपी पुलिस की भर्ती देख लीजिए, नीट की देख लीजिए, नेट UGC की देख लीजिए। अब छात्र नौजवान शांति से नहीं बैठेगा। मांग क्या है आप लोगों की? बस वही मांग है जो पेपर लीक हुआ उसी की मांग है हमारी, उसको जेल भेजा जाए। उस तरीके अगर करेंगे तो युवा का क्या होगा आने वाले समय में? किसको जेल भेजने की बात कर रहे हैं? हम लोग उनको कर रहे हैं जिनके द्वारा हमारा पेपर लीक हुआ है। तो बताइए युवा ऐसे कब तक लड़ाई लड़ेंगे? बताइए आज इनका भविष्य खराब हो रहा है इस तरीके, बताइए मारे मारे फिर रहे हैं। आखिर ये योगी सरकार कब तक ऐसा करेगी? मैं देखती हूँ हर बार पेपर लीक हो जाता, ऐसा कैसे हो जाता? और भी सरकारें रही, कभी नहीं हुआ, इसी सरकार में ऐसा क्यों होता रहता है? मैं सोच रहा हूँ आपके बारे में भी सोच रहा हूँ और सबके बारे में, आपके बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ। आप जिस तरीके से नीट की परीक्षा लीक हुई है, जिस दिन से पेपर हुआ है, क्या कारण था NTO को कि जिस दिन लोकसभा का परिणाम आ रहा था उस दिन रिजल्ट देने का, और एक ही सेंटर पर कई लड़के टॉप कर दिए? कौन सी बात थी जो फिजिक्स में फेल था वो टॉप कर दिया? और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस तरीके से मोदी सरकार की ये मिली भगत है, जिस तरीके से 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, समाजवादी छात्र सभा लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। जब तक नीट एग्जाम रद्द नहीं हो जाता तब तक समाजवादी छात्र सभा लड़ेगी। और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आपके बच्चे भी कल को परीक्षा देंगे। आप दिए होंगे तो रो रहे होंगे, आप घर जाके चुप करा रहे होंगे। याद रखिएगा, अभी तो हल्का सा ट्रेनिंग लिया है उन्होंने पुलिस की भर्ती को संविदा में करके, अगर थोड़ा सा आप और उनका साथ दे देंगे तो अगले दिन संविदा पे हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कब रिटायर हो जाएंगे। इसलिए हमारा निवेदन है आप सभी का, हमारा निवेदन है कि समाजवादी पार्टी के लोगों की मदद करिए और नीट परीक्षा को रद्द कराने में सहयोग करिए। धन्यवाद। बैरिकेटिंग तोड़ के जो है छात्र नेता जो है प्रदर्शन करने के लिए बैरिकेटिंग तोड़ कर नीचे आ चुके हैं और पुलिस प्रशासन लगातार जो है उन्हें रोकने का काम कर रही है। पूजा शुक्ला जो है जिनको पुलिस किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से जो है वो लेके जाती हुई नजर आ रही है। हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदर्शन जो है वो रुकने का जो है नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पे पूजा शुक्ला उन्हें पुलिस किस तरह से जो है वो लेके जाती हुई देख सकते हैं। किस तरह से जो पूजा शुक्ला है वो पुलिस पर उनके कपड़े फाड़ने और उनके साथ गलत व्यवहार करने का जो है वो आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे जो है प्रेस वालों को उनसे बात करने और उनके पास जाने से भी जो है वो पुलिस जो है वो लगातार रोकती हुई नजर आ रही है। हम यहाँ पे लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं।
एक लोकतंत्र में लड़की आंदोलन करती है तो उनके कपड़े फाड़ते हैं। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, भाजपा सरकार की पुलिस है। मेरे कपड़े फाड़े गए, बदतमीजी करी गई और उसके बाद अरेस्टिंग करी जा रही है। ये शर्म की बात है। अरे शर्म करो पुलिस वालों, शर्म करो आप लोग। इस तरह से किसी की बेटी के मान सम्मान के साथ नहीं खेल सकते। यहाँ पे देख सकते किस तरह से बंधुरा शुक्ला को पुलिस जीप में बिठा कर पुलिस जो है वो ले जाती हुई नजर आ रही है, और जिसके वहीं पे उन्होंने पुलिस पे भी कई गंभीर आरोप लगाए कि उनके साथ पुलिस वालों ने प्रदर्शन करते वक्त ठीक से उनके साथ व्यवहार नहीं किया है। देख सकते कि किस देख सकते हैं कि जो पुलिस वाले जो हैं यूपी पुलिस पूजा शुक्ला को जीप में बैठा कर लेके जाती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, और यहाँ पे उन्होंने उन पे पुलिस पे कई ऐसे आरोप भी लगाए हैं कि प्रदर्शन करते वक्त उन पुलिस की तरफ से उनके साथ जो है अमानवीय व्यवहार किया गया है। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके जो कपड़े हैं प्रदर्शन करते वक्त पुलिस वालों ने महिला पुलिस उनके कपड़े भी फाड़े हैं। हम लगातार इस प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं और आप तक इससे जुड़ी सभी जानकारियां पहुंचाने में लगे हुए हैं। देख सकते हैं किस तरह से अभी भी जो पुलिस प्रशासन है वो लगा हुआ है, मुस्तैद है, और अभी भी कुछ छात्र जो है वो उधर पे बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उन्हें भी आपको दिखाएंगे, पर फिलहाल जो है यहाँ पे पूजा शुक्ला और अन्य प्रदर्शनकर्ता को जो नीट धांधली में हुए धांधली को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे उनको ले जा चुकी है पुलिस, और अभी भी कुछ छात्र जो है वहाँ पे समाजवादी का जो झंडा लेकर प्रदर्शन करने में लगातार जुटे हुए हैं, और वहीं भारी संख्या में भी जो पुलिस है वो तैनात हो चुकी है। कैमरामैन मिराज के साथ रिद्धि यादव।